सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। एसिडिटी होने पर कई बार आपको भोजन नली या सीने में जलन महसूस होती है। कभी कभार ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की जलन महसूस करते हैं तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, आपकी इस परेशानी का इलाज बेकिंग सोडा में छिपा है। जी हाँ, घर की सफाई, खान पान और सौंदर्य निखारने के लिए फायदेमंद बेकिंग सोडा आपकी इस परेशानी को दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। बेकिंग सोडा में अतिरिक्त एसिड का मुकाबला करने वाले कुछ प्रभावी और सामान्य रूप से एंटासिड मौजूद होते हैं। सोडा का मूल स्वभाव नमक और पानी के गठन से पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होता है, जिससे गैस से राहत मिलती है और सीने की जलन दूर होती है। अब जान लेते हैं कि इसके इस्तेमाल की विधि क्या है और कैसे आप इसके इस्तेमाल से खत्म कर सकते हैं सीने और खाने की नली की जलन को। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार करेंगे। एसिडिटी के कारण होने वाली सीने में जलन के लिए आप बेकिंग सोडा को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, एक गिलास पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पी लीजिए। सिंपल, लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को दिन में 3 बार से ज्यादा बिल्कुल ना आजमाएं, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। बेकिंग सोडा के साथ अदरक का इस्तेमाल भी सीने में जलन में राहत दिलाता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा के साथ साथ आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला लीजिए। इस पेय को पीने के बाद आप जलन से राहत महसूस करेंगे। सीने में जलन को दूर करने के लिए आपने ठंडे दूध के बारे में सुना ही होगा। आप सीने में जलन होने पर एक गिलास दूध के साथ एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पी जाइए। अगर आप लगातार इस समस्या से परेशान हैं, तो आप सोते समय भी इस दूध का सेवन कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के साथ नींबू लेने से भी सीने में जलन से राहत मिलती है। समस्या होने पर आधा कप गर्म पानी में कुछ बूंदें नींबू की निचोड़ लें और अब इस गर्म नींबू पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर इस घोल को पी लें। बात खत्म, आपकी जलन भी एकदम खत्म। सीने में जलन से बचने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सावधानियां कुछ इस प्रकार हैं। बेकिंग सोडा में अत्यधिक मात्रा में सोडियम की मौजूदगी के कारण सोडियम का सेवन कम करने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण लगातार इन उपायों के प्रयोग से आपको मतली या उल्टी का अनुभव भी हो सकता है। गर्भावस्था या नवजात शिशु होने पर महिलाओं को बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज आयुर्वेद समाधान में इतना ही। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।